अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत होंगे। मैं कनिशा अपने यूट्यूब चैनल में आपको दोबारा से खुश आमदीद कहती हूँ। आज की जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो बहुत ही यूनिक और इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ठीक है। और आज जो मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ वो 5G मास्क पर है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था ये कैसा इसका रिज़ल्ट है, आप प्लीज़ यूज़ करके बताएं। मेरी फ्रेंड्स वगैरह ने कि हमने फेसबुक पे बहुत देखा है ये आ रहा है, ये चाइना का है ये प्रोडक्ट, ठीक है। और इसकी मैं पैकिंग भी दिखा रही हूँ आपके सामने स्क्रीन पर, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये ऑरेंज कलर की बॉटल में आता है और वाइट कलर में लिखा हुआ होता है इस पर। और ये हार्डली आपको जो इसकी प्राइस है वो भी मैं बता दी जाने, वो 800 ओनली 800 के अंदर आपके ये आएगा 5G मास्क। मैंने ये नाहिद सुपरमार्केट से परचेज़ किया था, ठीक है। और ये 1 kg है, पूरा 1 kg ये मास्क है और हार्डली आपका 2 से 3 महीने आराम से ये चल जाएगा, 1% के लिए बोल रही हूँ मैं। और इसके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे हैं, जैसे डिहाइड्रेशन हो जाती है बालों में, ड्राइनेस आ जाती है। जैसे आपके सामने अभी विंटर आने वाला है तो बहुत रफ़ हो रहे थे बाल, तो हम चाहते हैं कि हमारे विंटर में भी समर की तरह स्मूथ हो, फ्रिज ना आए, तो इस वजह से आप ये लोग ये मास्क यूज़ कर सकती हैं। ये ओनली आपने लेंथ रेंट्स पे लगाना है, स्कैल्प पे मत लगाइएगा। जो हमारी फर्स्ट एड होती है, बहुत से सारे लोगों को नहीं पता होता है कि मास्क के यूजेस कैसे करना है, हमने यूज़ कैसे करना है उसको। डायरेक्ट आप क्या करते हैं कि मास्क ले लेते हैं, स्कैल्प पे लगा लेते हैं, थोड़ा टाइम बाद आप देखते हो कि हमें हेयर फॉल शुरू हो जाता है या हद से ज़्यादा हम वीक में मास्क यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम आ जाती है, ब्रेकेज होने लग जाते हैं, बीच में से हमारे बाल सॉफ्ट होकर टूटने लग जाते हैं, ठीक है। तो फिर उसे क्योरेबल करना चीज़ को बहुत ज़्यादा टफ और मुश्किल काम होता है। तो मैं आपको ये खोल के भी दिखा देती हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह का है और ये ऑफ वाइट कलर का होता है। इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है, मैंने ये खुद यूज़ किया है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। ये वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक यूज़ करिएगा, इससे ज़्यादा ये मास्क यूज़ नहीं करिएगा। अगर आप देखते हो कि आपके ज़्यादा हाइड्रेशन होगी, बालों में ड्राइनेस आ गई है, बहुत रफ़ हो रहे हैं बाल, तो आप ट्वाइस अ वीक यूज़ करिएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा मत यूज़ करिएगा। लाइक दैट जैसे हम स्क्रबिंग यूज़ करते हैं तो फेस के लिए 1 से 2 दफ़ा हम अप्लाई कर सकते हैं स्क्रब फेस पे, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करते। इसी तरह आपने हेयर के लिए जब आप मास्क लोगे तो वो 1 से 1 बार या 2 बार आप यूज़ करोगे, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। और ये चाइना का प्रोडक्ट है, अच्छा वर्क करता है, लेकिन अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आगे स्ट्रिकिंग करवाई हुई तो उसके बाद हरगिज़ की यूज़ नहीं करिएगा। जो भी अच्छा आपको प्रोटीन ट्रीटमेंट मिले वो इकोनॉमिकली प्राइस में, वो उस किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हो, ठीक है। ये वाला मैंने मास्क परचेज नाहिद सुपर मार्केट से इसलिए किया था, काफ़ी सारे बहुत से सलून हैं वो बहुत महंगा ये बेच रहे हैं, बहुत कॉस्टली करके ये बेच रहे हैं, 2500 या 2000 में ये बेच रहे हैं। तो दिस इज़ नॉट गुड थिंग कि आपको इतना महंगा आप किसी सलून वगैरह से परचेज़ करो। आपको मैंने डायरेक्ट बता दिया, आप नाहिद सुपर मार्केट जाएँ, वहाँ से आपको 800 में 1 kg 5G ओरिजिनल मिलेगा, ठीक है। वहाँ पर आपको ये नहीं है कि फेक चीज़ नहीं मिलेगी, ओरिजिनल चीज़ मिलेगी आपको वहाँ पर, ठीक है। आप वहाँ पर जाके ये परचेजिंग कर सकते हो। ये नरिशिंग करेगा, सॉफ्ट करेगा, मॉइस्चराइज कर देगा, प्रोवाइड करेगा आपके बालों को, ठीक है। और आपको मैं ये बता रही थी बीच में, बात मैं भूल गई थी, जो हम स्कैल्प पे इस वजह से नहीं लगाते, हमारी जो फर्स्ट लेयर अल्लाह ताला ने बनाई है मेडुला, उसमें मॉइस्चर होता है, तो लेंथ रेंट्स जो होती हैं हमारी वो हमारी रफ़ हो जाती हैं, डल हो जाती हैं, ठीक है। और उसमें ड्राइनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो उसे क्योरेबल और उसे मैनेजेबल हमें अपने स्कैल्प के साथ करना होता है, तो इसलिए ये स्कैल्प पे ही लगाइएगा। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।